आपको पता चल ही गया होगा कि आज की जो रेसिपी है वो मोदक की रेसिपी है। तो किस तरह से हम बची हुई ब्रेड से एक क्रिएटिव रेसिपी बना सकते हैं वो पापा के लिए। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही खास है, ना ही आपने इससे पहले कभी देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी आपने। बहुत ही क्रिएटिव रेसिपी है, बनती भी बहुत जल्दी है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, यूट्यूब पर पहली बार बनेगा। तो आखिर ये है तो क्या है, आप सोच में पड़ गए ना, तो सोचना बंद कीजिए और रेसिपी देखिए। तो चलिए आज की क्रिएटिव रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने शुगर ले ली है, सबसे पहले हमें चाशनी बनानी है। 2 कटोरी हमने शुगर ले ली है, जितनी कटोरी आप शुगर लगे उतनी ही कटोरी आपको पानी लेना है। 2 कटोरी हमने शुगर को 2 कटोरी पानी ले लिया है। अभी हमें गैस की फ्लेम ऑन कर देनी है और ये जो शुगर है हमें सिर्फ इसके अंदर डिजॉल्व करनी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी हमें नहीं बनानी है। इसके अंदर हमने कूट के डाल दी है हरी इलायची, इससे ना बहुत ही अच्छे सा फ्लेवर आएगा हमारी जो चाशनी है चाशनी को। अभी ना शुगर हमें सिर्फ डिजॉल्व करनी है पानी के अंदर, गाढ़ी चाशनी बनाओगे तो गुलाब जामुन के अंदर वो एब्सॉर्ब नहीं करेगी, हमारी रेसिपी के अंदर एब्सॉर्ब नहीं करेगी। अभी हमने ये ब्रेड के 6 स्लाइस ले लिए हैं और 6 स्लाइस को ना हमें साइड के जो एजेस रहते हैं एजेस पूरे निकाल देने हैं। नाइफ की सहायता से जो एजेस है वो एजेस हमने पूरे निकाल दिए हैं। अभी ना आप चाहो तो मिक्सी में इसे पर्ल्स पे मिक्सी चला के इसे ब्लेंड कर सकते हो, उसका चूरा कर सकते हो, या फिर ब्रेड तो बहुत ही सॉफ्ट रहती है हाथों से भी इसका चूरा हो सकता है। इसका हमने पूरा हाथों से चूरा कर दिया है। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हमें एक सॉफ्ट सा डो लगाना है, हार्ड डो नहीं लगाना है, सॉफ्ट डो लगाना है। थोड़ा सा हम इसमें जेल कलर डाल देंगे, रेड कलर डाल देंगे, उससे क्या होगा हमारे जो गुलाब जामुन बनेंगे ना उसका जो कलर है बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा अंदर से भी और बाहर से भी। और इसके अंदर ना एक मनुक डाल देंगे, एक गोला ले लेंगे उसके अंदर मनुक डाल देंगे। मनुक नहीं है तो आप शक्कर भी डाल सकते हो, मिश्री भी डाल सकते हो उसके अंदर। और इसे ना मोदक का शेप देना है, जिस तरह से मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ बस उसी तरह से ना आपको शेप दे देना है। और इस तरह से ना फॉक से हमें डिज़ाइन दे देनी है। अगर आपके पास मोदक मोट नहीं है तो इस तरह से आप बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से घर पर मोदक बना सकते हो। ये मोदक मैंने बना लिए हैं। अभी ना हमें ऑयल गर्म कर देना है और ऑयल गुलाब जामुन डालने के बाद जो गैस की फ्लेम है वो हमें धीमी कर देनी है, और डालने के बाद हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है मोदक को। और जब मोदक इस कलर में आ जाएंगे तब ना हमें गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है ताकि गुलाब जामुन का जो कलर है बहुत ही अच्छे से कलर आ जाएगा उसको। और अभी यहाँ पे देख रहे हो हमारे जो गुलाब जामुन जो है ना मैंने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसे कलर दे दिया है। और आप देख रहे हो बिल्कुल भी आपको लग नहीं रहा है ना कि ये ब्रेड के गुलाब जामुन बने हैं, दिखने में जितने खूबसूरत थे खाने में भी उतने ही टेस्टी है। सारे गुलाब जामुन हमें इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। अभी बारी आ जाती है चाशनी की। अभी चाशनी ना हमने अच्छे से गरम कर देनी है, गैस की फ्लेम हमने ऑन कर दी है और सारे जो गुलाब जामुन है सारे हमारे जो मोदक है वो चाशनी के अंदर हमें डाल देने हैं। मोदक डालने के बाद हमें ना खोलती हुई चाशनी के अंदर उसके ना 5 से 10 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देने हैं। 5 से 10 मिनट तक हमें चाशनी के अंदर उसे उबाल लेने हैं ताकि जो गुलाब जामुन है वो अंदर से और बाहर से अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, जो चाशनी है अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाए। और 5 मिनट के बाद हमें उसे ढक कर रख देना है 1 घंटे तक, और चाशनी ठंडी होने तक हमें उसी तरह से उसके अंदर उसे छोड़ देना है। और आप अभी ये देख रहे हो 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ और हमारा जो गुलाब जामुन है ना बहुत ही अच्छे से अंदर तक चाशनी एब्सॉर्ब हो चुकी है। ये आप देख रहे हो बहुत ही अच्छे से चाशनी को उसने सॉक कर लिया है। और आपको बिल्कुल भी तेज से ना बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये जो गुलाब जामुन है ये ब्रेड से बनी है, दिखने में जितनी खूबसूरत है खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। और तो आ जाती है बारी गणपति बाप्पा को प्रसाद दिखाने की। तो यहाँ पे ना हमने कर दी है सर्व। तो आज के इस प्यारे की सी रेसिपी के लिए, सिंपल सी रेसिपी के लिए 1 लाइक तो बनता है ना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। और ये जो पिटकुला सा आप देख रहे हो ना ये मोदक, ये मेरी बेटी ने बनाया हुआ है, इसे भी हम रख देते हैं बीच में।
तो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ताकि हमें हमारी जो फैमिली है और आगे बढ़ेगी। और कमेंट कीजिएगा आपको गणपति बाप्पा के लिए कौन सा और नया प्रसाद देखना है, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे और नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ख़ास करके खाते रहिएगा। बाय बाय।